अस्सलाम वालेकुम। तो हाजिर है आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे दुक्कुम बीच में। पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूँ, आज उससे थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा चीज़ें और एक्सप्लोर करेंगे। मेरे साथ है हमारे दोस्त है बांग्लादेश से मिजान भाई, और पीछे उमर भाई बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, पहले पकड़ेंगे कुछ चीज़ें रिफ्रेशमेंट के लिए। यहाँ से लेंगे हम लोग अभी कोल्ड ड्रिंक, उसके लिए आए हैं। उमर भाई भी आ चुके हैं। कौन सी देखिए आप, जूस के जो आप सॉफ्ट ड्रिंक? ओ मुझे लगता है आने ही बंद हो गया। अभी किस तरह का जूस ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं ना, ये वाले कौन सा लेंगे? कोई भी ले ले चलेगा। नहीं ड्यू तो छोड़ दें। ये है जी, हमने थोड़ी सी चीज़ें ली हैं, बस छोटा सा ट्रिप है, छोटी पिकनिक के लिए थोड़ी सी चीज़ें। इसके कितने होंगे अभी देखते हैं जी। 3,400 बिल करेंगे। लिए चाय रास्ते से और चाय पी रहे हैं। और अभी जो एक कारनामा हुआ है हमारे साथ बहुत बुरा, कि चाय आप पी रहे हो गाड़ी हिले, आपने सिप करने के लिए मुंह लगाया हो कप को और गरम चाय अलग सड़ गया। अभी पिकनिक के लिए लेकिन ये एडवेंचर हो गया, क्योंकि ऑफ रोड रैली ऐसे होती है चोलिस्तान के अंदर, जो दिखाया जाता है ना सेम ऐसे ही रोड्स होते हैं जैसे हम लोग चल रहे हैं। देखे अभी साइड पे, और ये ऑफ रोड है, इसमें अगर 4x4 हो आपके पास क्या पैक आता फिर पीछे, लेकिन पीछे वाले को नज़र फिर कुछ भी नहीं आता। नज़र तो खैर इसमें भी कुछ नहीं आ रहा, बहुत ही धूल उड़ाई जा रही है पीछे। पाकिस्तान में हर जगह पे ये पाकिस्तान के जो नॉर्मल रोड है ना, ये सेम उसके हिसाब से देखें, ये ऑफ रोड है लेकिन गाड़ी इतनी स्मूथ चल रही है ना, कोई भी गड्ढा नहीं लग रहा कुछ नहीं। पाकिस्तान में जो मेन रोड होते हैं ना वो इस तरह की अपनी हालत पेश कर रहे होते हैं। लेवल किया ना उन्होंने, वैसे भी लेवल है और रोड का भी लेवल किया है। हम लोग अभी फिर लगता है गलत किसी यार्ड में घुसा है या किसी कंपनी के, इसका फोल्ड की यार्ड है सामने। मुश्किल नहीं, हमारे मिजान भाई स्क्रैप वाले हैं तो हम लोग डील कर लेंगे। हम लोग बोलेंगे हम लोग डील करने के लिए आए हैं, तरीके है। ये सामने आ गया जी दुकुम, बहरल दुकुम। ओ देखे जी कश्ती, लाजिम एक मरतबा फिर हम लोग आ गए हैं समुंदर पे, बीच पे आए हैं, और बीच के सीन कुछ ऐसे हैं। अभी देखे हम लोग पहुंच चुके हैं बीच के ऊपर, और बीच इस टाइम बहुत ही शोर है बीच का, सिर्फ लोगों का रश नहीं है। इस साइड में थोड़ा रश है वो लास्ट में, और इस साइड में बहुत सारे लोग हैं क्योंकि यहाँ पे मोस्टली एक एक फैमिली पार्क बना हुआ है यहाँ पे, और ये पीछे बीच, और देख सकते हैं आप यहाँ पे किसी किस्म का हमें कोई कचरा नजर नहीं आएगा। ये यहाँ की खूबसूरती है, कोई भी जगह है ना वो खूबसूरत होती है आवाम की वजह से। हमारे अगर पाकिस्तान में हम लोग यही अपना माइंड सेट रखेंगे कि जैसे हम लोग घर पे कचरा नहीं डालने देते ना किसी फालतू, वैसे ही हम लोग बाहर भी ना डालने दें। सिफाई नस्फ ईमान है, आप लोगों ने सुना है, तो इस पर अमल दरामद भी करना चाहिए हमें। बीच के बीच में गाड़ी पार कर ली हमने, हाँ। और ये देख सकते हैं कोई भी गाड़ी नहीं है हमारे सिवा, हमारी गाड़ी है सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि हमने गलत जगह पे चॉइस की है, यहाँ पे रश नहीं है और दूसरा हम लोग यहाँ पे आ गए, ज्यादातर लोग हैं वहाँ पे। मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखा सकेगा तो
तो दिखाएगा वो पीछे आदमी है, बहुत सारा रश है इधर, ये तो लोग वॉक भी कर रहे हैं। ये सामने बीच है, ये सामने बिल्कुल सामने बीच है, और अभी थोड़ी देर में इधर सनसेट होगा ये साथ ही। और हम लोग जिधर खड़े हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इंजॉय कर सकते हैं हम खुद ज्यादा से ज्यादा, और क्या करेंगे, कैसे मतलब फील करें, नेचर को फील करें। कमेंट में आप लोग अपना कुछ सजेशन दें, इस तरह की जगह पे अगर आदमी चला जाए तो क्या करे बताएं, क्योंकि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या करे। हमारा एक तो प्लान तो नहीं था, हम लोग प्लान से निकल के आए हुए हैं। इस्मान भाई अभी जो कुछ लवाजमात है वो खाएंगे। चीटोस ट्राई करेंगे हम, चीटोस। हॉट एंड स्पाइसी चीटोस, हाथ को रंग देते हैं। तो हम लोग गए थे बीच पे, कुछ भी हासिल नहीं हुआ हमें। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे मान बॉलिंग सेंटर में, यहाँ पे हमने एक दो गेम खेली, उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। एक तो हमारे मूड ऑफ हुए हैं पता नहीं क्यों सबके ही, तो अभी हम लोग बैठे हैं वैसे ही, बातें चल रही हैं गपशप। इसके बाद हम लोग जाएंगे बिल्कुल ये सामने रेस्टोरेंट है सर। आप क्या बताऊँ आपको सर, आज का दिन एक्चुअली था ये कि इधर वीकेंड होता है ओमान में थर्सडे से फ्राइडे तक का ना। हमारा थर्सडे को ये प्लान था कि हमने बाहर जाना है, स्पेशल कहीं पे जाना है, मतलब किसी साइड पे जाना है विजिट के लिए। लेकिन तो, जो हम लोग सोए थे लंच के बाद उसकी हाँ, वजह से सारा प्लान चौपट हो गया जुम्मे की नमाज। और हमारा एक प्लेयर भी मिस हो गया, उसकी वजह से भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ हमारा शेड्यूल, और उस प्लेयर को पलटनी पड़ेगी अब सुबह। एक्चुअली था ये कि पहले सबसे हम बीच पे गए, उसके बाद बीच पे हम कुछ मतलब ड्रिंक्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स लेके गए थे, इस तरह की कुछ चीज़ें उधर वो, लेकिन मज़ा नहीं आया जाके बीच पे। शॉर्ट स्टोरी ये है कि हम लोग जलील हुए हैं, सारा दिन बहुत जलालत के साथ गुजर गया, तो इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू माई चैनल।